नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल से एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों मुझसे जुड़ने के लिए चैनल के साथ जुड़िए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो की अपडेट आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। आज की वीडियो में हम जानेंगे दुकान से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स जो बहुत मायने रखते हैं आपके व्यापार को चलाने में, आपकी दुकान को चलाने में। तो चलिए जानते हैं, अगर आप दुकान बनवाने जा रहे हैं या फिर आप खरीदने जा रहे हैं या फिर आप रेंट पे लेने जा रहे हैं, तो एक चीज का ध्यान रखें, जहां भी आप दुकान बनवा रहे हैं या ले रहे हैं या खरीद रहे हैं, उसके सामने कोई भी बिजली का खंभा नहीं होना चाहिए, ना ही कोई बहुत बड़ा पेड़ होना चाहिए जिससे जिसकी छाया आपकी दुकान पे आ रही हो। ये वास्तु के अकॉर्डिंग अशुभ माना जाता है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। अगर आप दुकान बनवा रहे हैं या खरीद रहे हैं या फिर रेंट पे ले रहे हैं, तो एक चीज और ध्यान देनी है कि आपकी जो दुकान है और जो एंट्री गेट है उस पे चौखट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुकान में चौखट होनी मेन गेट पे या एंट्री गेट पे दुकान में चौखट बनवानी अशुभ मानी जाती है, क्योंकि चौखट घरों में ही शुभ मानी जाती है। इसलिए दुकान के गेट पे चौखट ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। या बनवा रहे तो आप चौखट ना बनवाएं। दुकान में कैश काउंटर या फिर अलमीरा या फिर आपका जो प्लेटफॉर्म है, जो भी आप बनवाते हैं, हमेशा उत्तर पश्चिम दिशा में ही बनवाएं, क्योंकि उत्तर पश्चिम दिशा सबसे शुभ मानी जाती है दुकान के लिए, व्यापार के लिए। जो दुकान के मालिक है उनकी बैठने की दिशा पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। और एक चीज का और आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपकी जो चेयर है, अगर आपको रेड चेयर मिल जाती है तो बहुत ही शुभ है। अगर चलिए आपको रेड चेयर नहीं मिलती, आपके पास ब्लैक चेयर ही आपने बैठने के लिए ली है, तो उसके ऊपर एक लाल रंग का टॉवल डाल के बैठे, बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे क्या होगा कि आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी, आपके यहाँ ग्राहक आएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब ग्राहक आएंगे तो दुकान वैसे ही चलेगी। ईशान कोण में छोटा सा एक दुकान में मंदिर बनाए, उसमें कुबेर यंत्र स्थापित करें, श्री यंत्र स्थापित करें और दोनों टाइम धूप बत्ती जरूर करें। दुकान को साफ सुथरा रखें, क्योंकि वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आपकी दुकान बहुत गंदी रहती है तो आपका आपके व्यापार में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। एक चीज और ध्यान दे रही है कि दुकान में बैठने के बाद शाम के टाइम अगर आपकी दुकान पे कोई भी मांगने वाला आता है, यानी आपको शाम के बाद आपको दान नहीं करना है। वास्तु के अकॉर्डिंग शाम के टाइम दान करना व्यापार के लिए अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी? अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।